हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार और जैसे आप लोग जानते ही हैं, मैं एक कैनाइन ब्रीडर हूं। और आज मेरे साथ शुभम भाई हैं जो कि डोबरमैन के एक बहुत ही अच्छे ब्रीडर हैं और इन्होंने अभी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जो है अभी लिया है, बहुत ही सुपर पप्स इन्होंने अभी ब्रीड किए हैं और डोबरमैन पे काफ़ी काम कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं और सारी चीज़ें हैं। और इनके पास मेल डॉग्स भी हैं और फीमेल डॉग्स भी हैं। तो आज मैं जानना चाहूँगा, जो मेरा एक मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि काफ़ी लोग पप्स लेने जाते हैं या पप्स खरीदते हैं या पप्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो उनका फोकस रहता है कि हमने मेल पपी चाहिए जी, फीमेल नहीं चाहिए। तो आज मैं जानना चाहूँगा शुभम भाई से, जैसे ये मेल भी रखते हैं और फीमेल भी रखते हैं और साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं, तो मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ जाके ज़्यादा लॉयल है फीमेल या फिर मेल ज़्यादा अच्छा होता है, या क्या क्या बेसिक जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जिससे आप अगर कभी कोई डॉग लेने जाते हैं, कोई पप्स लेने जाते हैं, तो आप मेल और फीमेल में बहुत अच्छा एक कंपैरिजन कर सकते हो कि आज हम मेल हमें सूट करेगा या फीमेल सूट करेगा, वो चीज़ें। तो सबसे पहले तो शुभम भाई, मैं आपको आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। थैंक यू भैया। अच्छा, आपने ये फीमेल पप्स रखा हुआ है डोबरमैन, हाँ। आपके फीमेल का, आपके पास एक फीमेल भी है शुभम भाई ऑलरेडी है, तो अभी आप इनको ट्रेंड भी कर रहे हो, तो आपको मेल आपके पास जैसे दो पप्स हैं, मेल भी है और फीमेल भी है, आप दोनों को बचपन से रख रहे हो, आप क्या महसूस करते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं। कई लोगों को एक क्वेरी रहती है कि हमने मेल रखना ही है, फीमेल नहीं लेना। कई लोगों की नहीं भैया, मैं 90% लोगों की यही इंक्वायरी है, मेल। ऐसा क्यों ऐसे क्या है, पता नहीं लोगों को लगता है कि भाई फीमेल। मैंने कुछ लोगों से पर्सनली भी जो बात करी और जो अनुभव जो बोलता है लोगों से बात करके या जो भी, भाई फीमेल जब बड़ी होगी तब वो हिट पे आएगी और हमको परेशान करेगी। मैं इस चीज को छोड़ दूं, मैं अगर इस चीज के बारे में बात ना करूं, बताते हैं कभी मैं इस बारे में बात ना करूं कि वो फीमेल हिट में आएगी और वो आगे जाके ब्रीड करनी पड़ेगी, ऐसे तो मेल भी तंग करते हैं आपको, मेल भी तंग करते हैं उसी टॉपिक पे, जगह जगह पे यूरिन और वो सब करते हैं। अगर हम इन चीजों को छोड़ दें तो बाकी चीजों के बारे में बताएं। वही तो कहना चाहता हूं कि भैया फीमेल तो सिर्फ 6 महीने परेशान कर रही ना, 6 महीने में एक बार परेशान कर रही, और मेल के जब मैच्योरिटी हो जाएगी तब तो मेल हर बार परेशान करेगा भाई, ये भी तो टॉपिक है। बिल्कुल कि मेल आपको हर बार तंग करेगा, फीमेल तो नहीं करेगी, फीमेल साल में एक बार या दो बार। सबका अपना देखो। अच्छा, इसका टेम्परामेंट कैसा होता है, अगर हम सबसे पहले तो हम टेम्परामेंट की बात करते हैं। टेम्परामेंट वाइज मुझे पर्सनली फीमेल ज्यादा पसंद आती है। अच्छा, क्योंकि एक तो फीमेल है ना, थोड़ा सा मेल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा साइज होती है। बहुत सारी फीमेल है मैंने जो इक्वली, अपन जो मेजॉरिटी है वो थोड़ी छोटी साइज में, फीमेल भी छोटा साइज में होती है। अच्छा, फीमेल थोड़ी ज्यादा लवेबल होती है, ऐसा लगता है जैसे घर में एक बच्चिया नहीं होती, जिस टाइप से थोड़ा सा ऐसा वो व्यवहार करती है फीमेल आपके साथ, कहीं ना कहीं ज्यादा लॉयल होती है, मुझे पर्सनली मेरा ऐसा अनुभव बोलता है। और मेल कहीं ना कहीं वो अपना दिखाता आगे कि हम मेल में मेल हूँ मैं, सब कुछ हूँ, तो वो फील करता है। बहुत ही अच्छी बात है जो शुभम भाई बता रहे हैं आपको, ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको बहुत जरूरी है, जो आपको देखनी चाहिए और इनसे ये सुननी चाहिए, ये आपको पता लगेगा। मैं ये भी कहता हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कितने डॉक्टर बोलते हैं, कभी कोई और बोलता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट मेरा कहना है ये सब भ्रमित मत करो कि फीमेल है तो आपको ब्रीड ही करना पड़ेगी, मेल है तो आपको ब्रीड ही करना पड़ेगा, जरूरी है क्या आपको करना पड़ेगा, आप मत करो। नहीं, ऐसा कोई ये कोई हार्ड एंड फास्ट वाला रूल नहीं है कि आपको ब्रीड ही करना पड़ेगा, वो जो है तो वो है, उसमें कोई ऐसी, अगर आपका मन है आप कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग मेल के साथ भी करते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं, ट्रेनिंग में ये कैसे रहते हैं मेल में और फीमेल में, कहां आपको डिफरेंसेस देखने को मिले? दोनों ही भैया अपनी जगह, जैसे आप, मैंने मेल भी रोका तो मेरे को थोड़ा सा हार्ड काम के लिए चाहिए था, तो मैंने मेरा मेल भी रोका है। ये क्या शुभम भाई, ये क्या लॉजिक हुआ? मैं इस चीज में एग्री नहीं कर रहा हूँ आपसे कि मुझे हार्ड काम के लिए मेल ही, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल भी अपनी जगह काम करती है, लेकिन वो जो मेल जो मैंने रोका थोड़ा सा बिग साइज के हिसाब से, तो मुझे लगता है साइज के हिसाब से, मतलब साइज के हिसाब से मैंने उसको थोड़ा सा रोक रखा, तो वो कहीं ना कहीं ब्रॉड है, अपने आपको बड़ा प्रेजेंट करने के लिए उस पर्पज से मैंने उसको, उसका बाइट फोर्स मेरे को लगता है थोड़ा सा और ज्यादा हाई रहेगा इससे, उसका जो भी बड़ा बड़ा उस लोग का, तो मैंने इस पर्पस पे थोड़ा सा, बाकी फीमेल भी थोड़ा सा छोटी दिखती है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेगी, करेगी। अच्छा, वो भी अपना काम गार्डिंग में क्या दिखता है आपको कि गार्डिंग में मेल ज्यादा अच्छा होता है फीमेल ज्यादा? दोनों इक्वल भैया अपनी जगह, कुछ नहीं होता ये सब, मैंने तो सिर्फ साइज के पर्पस पे उसको रखा। अच्छा, और डाइट्स वगैरह को लेके लगभग सब सेम, एक्सरसाइज को लेके सब सेम। तो आप ये देखें, शुभम भाई जैसे बता रहे हैं कि फीमेल में सारी चीजें सेम है, ये चीजें मैंने खुद भी देखी है,
अगर आप देखोगे मैं काफ़ी टाइम से मैं भी कैनाइन को जो है कैनाइन ब्रीड कर रहा हूँ, डॉग ब्रीड कर रहा हूँ, मैं मेलनोआ ब्रीड करता हूँ जैसे, तो जैसे लोग कहते हैं जी मेल ज़्यादा एग्रेसिव होता है फीमेल उतनी नहीं होती, या फीमेल ज़्यादा होती है मेल, ऐसा नहीं है। कई कंडीशन में ऐसा देखा गया कि मेरे पास कुछ डॉग ऐसे थे पहले, फीमेल ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, वो मेल कुछ भी नहीं था उनके सामने। कई मैंने कंडीशन ऐसी देखी है कि मेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है फीमेल उनके पास। ये एक ह्यूमन की तरह होता है, जैसे हम इंसान हैं घर में फैमिली में अगर चार लोग हैं, चाहे हमारे घर में फीमेल्स भी हैं मेल भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेल ही गुस्से वाले हैं सारे फीमेल गुस्से, तो जैसा ह्यूमन में वैसा ही होता है इनके अंदर भी। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको डॉग लेना तो आप मेल और फीमेल में उतना ज़्यादा वो ना लें। अगर हाँ आपकी उस तरह का है कि भाई ठीक है ब्रीड का हमें लगता है, तो ब्रीड होने का खुली जगह है आपके पास, बाहर से डॉग आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हम फीमेल ना लें, ये मेरा अपना मानना है। आप उसको ऑपरेट करा दो ना, आपको नीबी ब्रीड करना तो वैसे आपके लिए मेल हो गई। हाँ फिर कई बार लोगों को लगता है कि ऑपरेट ही कराना है तो हम फीमेल क्यों ले, उसके लिए तो कोई तथ्य नहीं है भैया कि क्यों फीमेल है। फीमेल मेरा मैंने, मतलब मैंने फीमेल का कैरेक्टर थोड़े से डिफरेंस है, आप जब फीमेल और मेल रखो आपके पास तो है भैया। देखो मुझे हम जैसे अब मैं देखूं ये मैं वीडियो भी कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं खुद भी ब्रीडर हूं जैसे मैंने पहले बोला, और शुभम भाई भी ब्रीड करते हैं, ये ट्रेनर भी हैं, ये मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ये ब्रीडिंग भी कर रहे हैं ये, और इनके पास मेल फीमेल हर तरह के देखते हैं, तो मैं इनका व्यू पॉइंट भी जानना चाह रहा हूं। ये प्रॉब्लम तो मेल के साथ भी होती है, अगर ब्रीडिंग टाइम पे आपका मेल अगर बाहर जा रहा है और वो ऐसे फीमेल्स के टच में आता है तो उसको भी उसके साथ भी आपको सेम दिक्कतें होगी, वो बाहर निकल जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, तो ये भी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप फीमेल और मेल अगर आप पप्स लेने जाते हो तो आप देखो हेल्दी पप्स कौन सा है, टेम्परामेंट जो जिस तरह का पप्स आपको चाहिए वो आपको कहाँ सूट कर रहा है, चाहे वो मेल में है या फीमेल में है। कई बार लोगों का कलर का रहता है, तो ठीक है अगर आपको ब्लैक कलर लेना है तो ब्लैक एंड टैन, जैसे मैं डॉबरमैन की बात करूं, आपको फीमेल में ब्लैक एंड टैन मिल रहा है तो आप फीमेल ले लो, मेल में मिल रहा है तो मेल ले लो, कुछ चीजों में तो चलो ठीक है, इनमें तो ब्लैक एंड टैन, आप जैसे मेलानोमा में भी लोग कलर पे, हाँ अभी बहुत ज्यादा कलर का हो गया है, इसमें तो मैंने भी एक ब्लैक कलर का मेल अभी मंगाया था, वो बाकी मेरे हिसाब से मेलानोमा और इनमें कलर नहीं देखना चाहिए, कलर नहीं देखना चाहिए, आप टेम्परामेंट और ड्राइव और ये सब चीजें देखो ज्यादा बेस्ट है। तो यही हमारा मकसद था इस वीडियो को बनाने का, एंड ऑफ द यही कहूंगा कि फीमेल भी लवेबल होती है, बिल्कुल फीमेल बोले नहीं, फीमेल और ज्यादा अच्छी होती है, आप रख के देखो आपको पता चलेगा, आप फीमेल भी ले सकते हो और आप कभी फीमेल भी रख के देखो, जितनी केयर आपने मेल की करनी होती है उतनी फीमेल की भी होती है। वो ब्रीडिंग टाइम को अगर आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट रहता है कि जी फीमेल ब्रीड हो जाएगी बाहर जाके, मेल भी आपका बाहर निकल जाएगा अगर आप उस तरह से सोचोगे, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप पप्स लेना चाहते हो एक हेल्दी पप्स लेके आए, मेल और फीमेल पे ज्यादा फोकस ना करें। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम करते जो आप सब्सक्राइब करते हैं, आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ अगर हम कुछ गलतियां करते हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आप हमें हमारे वीडियो में कमेंट्स करके बताएं, हम उनको सुधारेंगे और हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं जो आप लोग हमें लिखते हो, चाहे वो अच्छे हैं वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे आप गलत लिखते हो, हमारा जो गलतियां हम कर रहे हैं वो बताते हो, तो हमारे ये सभी की बहुत रेस्पेक्ट है। तो प्लीज आप हमें कमेंट्स जरूर किया करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो और भी इंफॉर्मेशन, जो भी आप डॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन या हमसे जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप वीडियो में जरूर लिख दिया करें, हम आपको जरूर वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू।